खतरनाक रास्ता है। विलेज गर्ल्स ओनली चैनल। और अभी बज रहे हैं रात के 9 और आज है 31 दिसंबर है और कल है 1 जनवरी। तो आज मुझे अभी मैं जा रही हूँ घर और मैं जिस रास्ते से जा रही हूँ वही रास्ता मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिएगा, ये है हॉन्टेड रास्ता और बिल्कुल सुनसान है। इस रास्ते पर कोई नहीं है। हो सकता है आगे हमें भूत मिल जाए, प्रेत मिल जाए, चुड़ैल मिल जाए, इसकी पूरी पूरी संभावना है। तो देखिएगा इसमें, ये देखिएगा इसमें कितना हॉन्टेड है ये रास्ता। तो आज 31 दिसंबर है, कल 1 जनवरी है, इस वजह से मुझे घर जाना ही पड़ेगा क्योंकि सेलिब्रेट करना है 1 जनवरी फैमिली के साथ। और मैं ब्रांच से निकली आज 5 बजे के करीब में और घर जाने में ऑलमोस्ट मुझे 6 से 7 घंटे लग ही जाते हैं, उससे ऊपर ही लग जाते हैं। अभी देखिएगा इस सामने से कोई तो आता हुआ नज़र आ रहा है, ये ऑटो वाला। तो बहुत देर के बाद हमें एक ऑटो वाला मिला। बिल्कुल ही सुनसान, आसपास कोई नहीं और ठंड बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग आगे जब जहाँ से जाएंगे वो शमशान घाट के लिए जाता है। शमशान घाट, हाँ, ये रास्ता मतलब शमशान घाट के लिए जाता है। यहाँ पे दिन में करीब करीब 4 से 5 मतलब अर्थिया तो जाती ही है और रात को। गाइस, ये जो रास्ता है इस रास्ते से दो तरफ हम जहाँ पहुँचेंगे, एक रास्ते में शमशान घाट है और वहाँ भी मैं दिखाऊंगी। सो गाइस, ये है पवन सिंह का गांव, मशहूर फेमस सिंगर बिहार के और एक्टर के साथ साथ। तो पावर स्टार के नाम से उन्हें जाना जाता है। कहरी में अभी हम लोग आए। कौन सा गाँव है ये? जो कहरी। तो ये गांव है जो गहरी पवन सिंह का और ये का गांव है। ये घर किधर है पवन सिंह का? अच्छा, अंदर है। तो पवन सिंह का घर थोड़ा अंदर है। अभी ये हम लोग मेन रोड से जाते हैं और मुझे नहीं पता था कि इधर पवन सिंह का भी घर है, आज पता चला। ये है उत्क्रमित विद्यालय। तो गाइस, ठंड भी बहुत ज़्यादा है अभी और मेरे हाथ पूरे ठंड से ऐसे हो गए हैं, ठंड से ऐसे लग रहे हैं जब जाएंगे। अभी भी हम लोग पवन सिंह के गांव में ही घूमते हुए यहाँ से थोड़ा सा हम लोग जब आगे बढ़ेंगे ना, हाँ, तो हमें मौली घाट मिलेगा। अच्छा, मौली घाट को एक्चुअली वो शमशान घाट बोल सकते हो उसको, लेकिन मौली घाट के नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। पुराने जमाने से अभी तक तो लोग मौली घाट ही बोलते हैं, मौली जगह है। अच्छा, यहाँ पे उनके पिता जी का दाह संस्कार हुआ था। किसके? पवन सिंह के। सो गाइस, फिर से ये सुनसान रास्ते और ये दो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्कआउट। हाँ, वर्कआउट या डूइंग वर्कआउट। और ये देखिएगा, हम लोग पहुँच गए मौली घाट पे। मौली घाट पे अभी और तुमको यहाँ पे अब चिता जलता हुआ दिखाई देगा। तो ये सुनसान रात, ये सुनसान सड़क के बीच जलती हुई चिताओं से गुजरते हुए विलेज गर्ल्स होनी। और यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, रुक के थोड़ा सा दो रुक के थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी घाट का नज़ारा। गाइस ये देखो, अभी हम लोग जिस घाट पे पहुँचे हैं, अभी बज रहे हैं रात के 9, अभी तो 9 से ज़्यादा ही होंगे, 9:15-20 अप्रोक्स हो रहे हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे तो आगे बढ़ते हुए चलिए। उस पर गंगा नदी के ऊपर में ये छोटा सा मतलब पुलपा पुल बनाया गया है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि ये बड़े बड़े लोहे का मतलब काफ़ी ज़्यादा वजन वाला एक ड्राम जैसा बनाया रहता है और उसके ऊपर पे एंगल डाल के और फिर उसके ऊपर चादर डाला जाता है, सीट लोहे का। सो गाइस, अभी फिर से हम लोग सुनसान रास्ते पे आ चुके हैं और देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है मुझे घर वापस जाने के दौरान, जंगलों से होते हुए, नदियों से होते हुए। बस एक पहाड़ ही नहीं है बीच में, बाकी सब कुछ छोटे छोटे पहाड़ हैं। छोटे छोटे पहाड़
रास्ते में आए लोग अकेले रात को निकल नहीं पाते हैं। हाँ वो तो मुझे पता है कि बहुत सारे इधर भूत प्रेत और सुनहर की कहानियाँ मैंने सुनी है कि ये इधर आते रहते हैं, लेकिन अच्छा है कि वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है ऑलरेडी मेरे साथ एक भूत है, इस वजह से। ये देखो भाई, अभी हम लोग रुके हुए हैं। ये देखो कुआं ही कुआं, चारों तरफ कुआं ही कुआं है, बिल्कुल कुआं, अंधेरा और ये चारों तरफ कुआं ही कुआं है और बीच जंगल है। देखो दोनों साइड में जंगल है, इस साइड भी इस साइड में, लेकिन कुआं की वजह से ये दिख नहीं रहा है। तो देखो आज कितना स्केरी रात है और अभी जाएंगे पहुँचने में। और कहीं कहीं घर में लाइट दिख रही है, देखो वो घर हल्की सी लाइट दिख रही है, ज़्यादा लाइट नहीं दिख रही है। वो घर है नज़दीक ही है, बहुत नज़दीक है, लाइट भी जल रही है, लेकिन कुआं के कारण वो दिखाई नहीं पड़ रही है। तो गाइस फाइनली मेन रोड पे और मेन रोड से अभी कितना किलोमीटर चल रहा है? 25 किलोमीटर। तो अभी ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर की दूरी तय कर दी है हमें। कम ही चांस है कि कुछ खाने को मिलेगा, अब घर का ही उम्मीद है कि घर पर ही जाके कुछ खाने को नसीब होगा। यहाँ तो आस पास कुछ नज़र नहीं आ रहा है। गाइस ये रहा अपना हाईवे और हाईवे से गुजरते हुए एक बहुत ही अच्छा, कौन सा भोजनालय है ये? फूड पिस्ता भोजनालय। तो ये हाईवे के बीचों बीच में है, मतलब हाईवे के किनारे है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है चिली पनीर और रोटी। तो चिली पनीर और रोटी काफ़ी अच्छा बन रहा है यहाँ पे, तो देखते हैं खा के कि कैसे बन रहे हैं। सो गाइस अभी खाना हमने ऑर्डर दे दिया है और खाना बन के रेडी हो रहा है। देख सकते हो मेरे पीछे किचन है, उसी किचन में हमारा खाना रेडी हो रहा है। यहाँ से खाना खाने के बाद हम लोग निकलेंगे। लगभग यहाँ पे कितना मिनट लग जाएगा खाना? 15 मिनट तक लग ही जाएगा और ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और चिल्ली प्राइस है यहाँ पे 120 रुपये में 8 पीस, 8 पीस है ना। और इसके साथ साथ मैंने ऑर्डर किया है रोटी, तो अभी देखते हैं कि कैसा रोटी और चिल्ली पनीर आता है, उसके बाद मैं आपको शेयर करूंगी। सो गाइस ये है खाने में 2 रोटी, सलाद, सलाद में है खीरा, टमाटर, ये प्याज और ये है अपना पनीर। ये है अपना पनीर। स्वाद बहुत ही अच्छा। हेलो बहुत अच्छा है, बहुत ही